आज हम लोग बात करेंगे बाथरोब्स के बारे में। देखिए, कोई क्लास नहीं है, एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि बाथरोब की कॉस्टिंग कैसे होती है, कुछ लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है, मैं समझता हूँ बच्चों का खेल है, उसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। बाथरोब की कॉस्टिंग में वैसे बाहर मैं आपको सच बताऊं कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक बाथरोब की आपको प्राइस निकालनी है, सो सिंपल, लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम डिवाइड बाय 1000, सिंपल। अब आपके पास वजन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें जो आपकी पर केजी प्राइस है, उसमें सीएमटी एसेसरीज ऐड करें, ये प्राइस आपके सामने खड़ी हुई है। बच्चों का खेल है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग उसको हवा बना लेते हैं बाथरूम की प्राइसेस को। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेंथ इन मीटर मल्टीप्लाई बाय विद इन मीटर। देखो, आप दर्जी की दुकान पे जाते हो, 2 मिनट के लिए सोचो, ईद का जमाना है, आप दर्जी दर्जी की दुकान पे जाते हो, 3 भाई हैं, ठीक है ना, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक बड़ा भाई। दर्जी आपको देख के क्या कहता है, दर्जी कहता है यार आप एक काम करो, एक मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको, दर्जी आपको कहता है यार आप एक काम करो, आप मिसाल दे रहा हूं, 7 मीटर कपड़ा ले आओ, बड़े भाई के लिए 7.5 मीटर ले आओ, बीच वाले भाई के लिए 7.25 मीटर कपड़ा ले आओ, अर्ज एक ही होगा, कपड़े की मीटर चेंज होती रहेगी, यही दर्जी ये कहता है ना आपको। बाथरूम भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। देखो, बाथरूम कैसे बनता है, मिसाल दे रहा हूं आपको, अर्ज एक ही रखेंगे, जैसे मिसाल दे रहा हूं 60 इंच का अर्ज रखेंगे, 60 इंच का उसकी विद होगी, उसका अर्ज होगा, फिनिश बताना चाह रहा हूं, ठीक है। और लेंथ जो है साइज के लिहाज से चेंज होती जाएगी, जैसे स्मॉल है, मिसाल दे रहा हूं, स्मॉल है 2.5 मीटर में बन जाएगा, मीडियम है 2.75 मीटर में बन जाएगा, लार्ज है 3 मीटर में बन जाएगा, एक्सएल डबल एक्सएल है 3.5 3.5 मीटर में बन जाएगा, तो एवरेज कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। तो अब आपके पास अर्ज आ गया, 60 इंच अर्ज है, यानी 60 इंच उसकी, जैसे कहते हैं ना, विद है, और लेंथ कितनी एवरेज आ गई, 3 मीटर की लेंथ आ गई। तो अब जब मेरे पास ये दो फिगर सामने आ गई, जीएसएम मुझे मेरा बायर बताएगा 500 जीएसएम है, जो भी जीएसएम है, तीनों फिगर्स मेरे सामने आ गई। अब आसान सा तरीका, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, लेंथ या विद इन मीटर कर लो, विद इन मीटर, विद क्या है, अर्ज, आपके पास जो अर्ज इस वक्त है वो इंचों में है, मीटरों में नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, फॉर्मूला बता देता हूं आपको मैं, जो इंच है उसको डिवाइड कर दे 39.37 से, ये देखे 60 इंच है, डिवाइड किया 39.37 से, क्या आया 1.52, ये क्या है, ये मीटर है, यानी 1.52 मीटर उसकी, उसका अर्ज है, उसकी विद है, तकरीबन 1.5 मीटर। लेंथ मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताई, आसान सा तरीका, तकरीबन बाथरोब जो बनता है, बाथरोब जो बनता है एवरेज 3 मीटर में बन जाता है, उसमें स्मॉल मीडियम एक्सेल डबल एक्सेल सब, मैं सबकी एवरेज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका 3 मीटर आ गया, 3 मीटर, अब यानी 1.52 आपका अर्ज आपके सामने आ गया, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, और 3 मीटर लेंथ है, विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, वजन से, जो उस बाथरोब का। अच्छा, मैं मिसाल देता हूं, आप जाते हो ईद के जमाने में दुकान पे, उनसे कहते हो कपड़ा मुझे दे दें, मैं जिससे अपना कुर्ता सलवार बनवाना है, तो जो कपड़ा वो आपको देते हैं उसका एक अर्ज होगा, उसकी एक लेंथ होगी, यही होगा ना, और क्या होगा, उसका कोई वजन तो होगा ना, जो उसका वजन होता है ना, वजन, वो वजन कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। जीएसएम दिया हुआ है बार ने आपको, फर्ज करो 500 जीएसएम दिया हुआ है, जीएसएम को 1000 से डिवाइड कर दो, ये देखो जीएसएम दिया हुआ है 500 450 कुछ भी दिया हुआ है, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठक करके ये आ गया जीएसएम, ये 1 स्क्वायर मीटर का वजन है, वजन इन केजी किलोज में, सिंपल बस, ठीक है। अब लेंथ इन मीटर मेरे पास आ गई है, ठीक है, या विद इन मीटर मेरे पास आ गई है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेंथ इन मीटर से, ठीक है ना, यानी अर्ज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेंथ से, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं वजन से, जो किलो में आया, जो मैंने अभी जीएसएम से निकाला है, आधा किलो तकरीबन इसका जीएसएम के करीब वजन बनता है ना, इससे जो वजन आया मेरे पास, ये वजन जो है, ये जो आपके सामने आ रहा है 1.9, ये टोटल वजन है उस कपड़े का जिससे मैं बाथरोब बनाऊंगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, आप दुकान पर जाते हैं ईद के जमाने में, कहते हैं भाई मुझे कुर्ता शलवार बनाना है, तो कुर्ता शलवार बनाने के लिए जो कपड़ा है उस कपड़े का जो वजन है वो वजन कितना होगा, वो इस तरह से होगा, मिसाल दे रहा हूं बाथरोब का। अब ये 1.9 केजी किलो आपके पास वजन आ गया, सिंपल हो गया, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी टेक्सटाइल मिल को फोन करो कि भाई तौलिया का, तो बाथरोब तौलिया से बनता है ना भाई, तौलिए का पर केजी डॉलर में प्राइस क्या है, हर कंपनी की प्राइस रखी हुई थी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कहीं कोई $5 देगा, कोई $4.9 देगा, कोई $5.15 देगा, जो प्राइस आपको मिलती है वो प्राइस लो, अब प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो वजन से, ये देखो, ठीक है ना, ये उस कपड़े की कीमत है जो तौलिए के मटेरियल से बना हुआ है, और वो 1.5 मीटर उसका अर्ज है,
3 मीटर उसकी लेंथ है, ये उसकी कीमत है पूरे कपड़े की, जैसे आप दुकान का करते हो। इसके बाद आप जल्दी जल्दी जाके दोगे उसको दर्जी के पास, इसे कहते हैं सीएमटी यूनिट या एसेसरीज, जो धागा वागा लेबल वेबल लगता है, ये सब मिला के 125-150 में सब कुछ हो जाता है आराम से, तकरीबन $1 के अंदर सब हो जाता है। तो जो ये प्राइस बनती है, जो प्राइस बनी आपकी, इसमें $1 आप ऐड कर दो सीएमटी एसेसरीज एक्सपोर्ट सब मिला के, ये आपके पास जो प्राइस आ रही है, ये आपकी बाथरूम की प्राइस आ गई। कितनी सिंपल है, कितनी आसान है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें कुछ मसले मसाइल होते हैं, कभी कभी साइज बढ़ जाता है, साइज घट जाता है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन देखो यूनिवर्सली साइज नहीं बढ़े जाते ना ही घटे जाते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं आपको, आप जैसे एक बच्चा है, जैसे स्मॉल है, फिर मीडियम साइज है, फिर लार्ज साइज है, ये डिफाइंड साइजेस होते हैं। आप किसी भी बड़ी दुकान में जाओ तो आपको सारे साइज के अंदर चीजें मिल जाएंगी, तो यूजुअली नहीं बढ़ता, यूजुअली साइज एक ही रहता है जो फिक्स होता है। बस यूरोप में तकरीबन एवरेज 3 मीटर में बनता है, अमेरिका में तकरीबन कोई 3.1 मीटर में बनता है। ये तो एक बार की कैलकुलेशन है ना, एक बार कैलकुलेट कर लो, मिनटों में प्राइसेस आ गई। तो बाथरूम की प्राइस निकालना बहुत आसान है, इतनी आसान है कि इन हाथों से कोई तकरीबन 20 साल में 100 से ज्यादा कंटेनर तो बाथरूम के मैंने एक्सपोर्ट किया हूं। सिर्फ बाथरूम की बात करूं, तौलिया की नहीं, 100 भी कम, 200-250 किए होंगे, लेकिन 100 भी पकड़ लो तो हर बाथरूम कंटेनर में 10,000 बाथरूम एवरेज आ जाते हैं छोटे बड़े मिला के। तो 10,000 बाथरूम का मतलब हुआ कि 1,000,000 बाथरूम इन हाथों से तो आराम से एक्सपोर्ट किए हैं। तो 1,000,000 बाथरूम एक्सपोर्ट करने का बाद तरीका बता रहा हूं। हाँ, कभी कभार होता है कि बायर कोई चीज मांग रहा है, एम्ब्रॉयडरी मांग रहा है, कॉर्डिंग मांग रहा है, ये भी कोई इतनी मुश्किल थोड़ी है, प्राइस ली उसको ऐड कर ली। बाथरूम की प्राइस कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप लोग बाथरूम की प्राइस को कभी हवा ना बनने दें, बाथरूम की प्राइस बहुत, अभी हम इंशाल्लाह जब टॉवल का कोर्स करेंगे ना, तो जब टॉवल की पूरी कॉस्टिंग आपको समझ आ जाएगी तो बाथरूम की तो मिनटों में कर लोगे। ठीक है जी, एक मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि अभी एक हमारे जानने वाला एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी करने के लिए गया, जॉब करने के लिए गया, तो जॉब वालों ने उसको बोला भाई आपको तौलिया का काम तो आता है लेकिन बाथरूम का नहीं आता, तो थोड़ी सी तनख्वाह उसकी कम रखी। तो मैंने सोचा यार बात जिसको तौलिया आता है, बाथरूम क्या है उसके लिए, बच्चों का खेल है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और हम जैसे आप जानते हैं कि मैं टेक्सटाइल के कोर्सेज कराता हूं, और मैंने कॉटन है, स्पिनिंग है, वीविंग है, सब करा रहे हैं, आगे डाइंग प्रिंटिंग वगैरह है। तो ये मेरा चैनल है, इसको टेक्सटाइल के हवाले से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स में भी इसको आप शेयर करो, ठीक है ना। तो ये एक वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इसकी आगाही दी जाए कि बाथरूम कोई मुश्किल चीज नहीं होती। देखो आप लोग बाथरूम को एक हवा समझते हो कि बहुत बड़ी चीज आ गई, इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे, एक्सेल की शीट, ये वो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों का खेल है, टू सिंपल। बल्कि मैं समझता हूं बाथरूम तो बेडशीट से भी आसान है, बाथरूम तो गारमेंट से भी आसान है, ये शर्ट बनाना मुश्किल है, बाथरूम बनाना आसान है। तो गाइस बस ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, ये कीजिए। दूसरी बात है, मेरा छोटा सा पैगाम है आप लोगों को, कोरोना बहुत फैल रहा है, कराची में भी बहुत फैल रहा है, पाकिस्तान में भी कोरोना बहुत फैल रहा है। कोरोना के लिए अभी हमारी मस्जिद में उन्होंने मास्क बिल्कुल मस्ट कर दिया, अच्छा किया बिल्कुल, ठीक है ना। तो मास्क मेरे पास भी है, मैं भी मास्क पहनता हूं। देखो तो थोड़ा सा इसकी एहतियात करो, इस वक्त कोरोना बहुत फैल रहा है, बल्कि मैं तो हैरान हूं कि इतना, मेरा ख्याल है तकरीबन पाकिस्तान में 2 लाख केस होने वाले हैं मेरा ख्याल है, तो बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी जो शरह अमवात है वो बहुत कम है इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनली शरह अमवात तकरीबन 5% से ज्यादा है, हमारी शरह 2% से भी कम है। ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर, वरना यकीन करो बहुत सख्त मसला है। तो कोरोना में अपने लिए ख्याल करो। देखो एक बात समझो ना, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोरोना लग गया और कोरोना लेके मैं घर में आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैरियर हूं अपने माँ बाप को कोरोना लगाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को कोरोना लगाने के लिए, अपने भाई बहन को कोरोना लगाने के लिए। तो मैं समझता हूं यार मैं अपने जिंदगी पे जो जुल्म कर रहा हूं तो कर रहा हूं, लेकिन दूसरों के लिए जुल्म मैं क्यों जालिम बनूं। तो अपनी जिंदगी पे भी जुल्म नहीं करना है, दूसरे की जिंदगी पे भी जुल्म नहीं करना है, कोरोना से अपने आप को बचाना है, लड़ना वड़ना तो है ही नहीं, इससे अल्लाह से माफी मांगनी है और कोरोना से अपने आप की हिफाजत करनी है। बचोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आफियत करा देंगे, ठीक है ना। बल्कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो एक तरह से दूसरे का ये इकराम करना भी तो है, दूसरे की मदद करना भी तो है कि अगर मैं अपने आप को कोरोना से बचा रहा हूं तो एक्चुअली मैं दूसरे को कोरोना से बचाने की मेहनत कर रहा हूं ना। तो गाइस इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पे और जो फेसबुक पे होते हैं उनके लिए ऊपर लिंक आ रहा होता है, और जो लोग यूट्यूब पे हैं वो मेरी वीडियोज यहां देख सकते हैं। टेक्सटाइल की भरी पड़ी वीडियोस हैं, कॉटन से लेकर अब तक हमने वीविंग का कोर्स किया, अभी हम वीविंग का थोड़ा सा और करेंगे और फिर आगे लेके जाएंगे। ओके गाइस, आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाथरूम।
बहुत आसान है, ऑलवेज रिमेंबर, बल्कि बच्चों का खेल है, क्या ख्याल है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।